कि मैं एक जालिम सिस्टर हूँ, मैं इसको हेल्प ही कराऊंगी। एक ब्लंडर हो गया। Hi everyone, I hope you all are doing fine. I'm doing great and I just had a fight with my sister. I have an idea. क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा TikTok यूज़ कर रही हूँ and TikTok पे don't judge me. TikTok पे मैंने देखी एक वायरल रेसिपी and तो उस रेसिपी में ये था, इट वॉज वायरल दुबई चॉकलेट बार, द पिस्ताशियो चॉकलेट बार। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इधर कहीं वीडियो डाल दूंगी ताकि आप लोग देख सकें वो किस तरीके से लगता है। आई वॉन्टेड टू रिक्रिएट दैट एंड आई थिंक आई एम अ ग्रेट कुक। आई मीन मुझे इतना लगता है कि आई एम अ ग्रेट कुक, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई एंड आई ब्रॉट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुडे एंड जो मेरे साथ ग्रोसरी शॉप पे हुआ वो भी मैंने आगे डाला है। खैर तो वी हैव प्लान्ड कि हम लोग उस चॉकलेट बार को रिक्रिएट करेंगे। मुझे चॉकलेट बार का मोल्ड कहीं नहीं मिल रहा था एंड अगर मैं दराज वगैरह से ऑर्डर करती तो बहुत दिन हो जाते एंड मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट यू नो वांटेड समथिंग जिसमें मैं वो चॉकलेट बार बना पाऊँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को थम्स अप दे दें अगर आपको पसंद आए, कॉमेंट करके मुझे बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ चॉकलेट्स डू यू लाइक। ओके, तो मेरी आंटी घर पर आई हुई थी, मेरी खाला, तो वी हैड टू गो एंड ड्रॉप हर एट हर होम, तो वी वेंट देयर एंड उसके बाद बैंक गए। मामा को काम था बैंक पे एंड देन फिर मामा और खाला दोनों एक साथ चले गए तो उन्होंने घंटे लगा दिए। उसके बाद हम लोग गए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए एंड वहाँ पे फिर मैंने लिया जैसे कि कंपाउंड चॉकलेट, पिस्ताशियो, कतेफी तो नहीं मिलता तो वर्मिसली मैंने ले ली थी। मैं आपको दिखाती हूँ आगे मैंने क्या क्या लिया था। और अब हमें लेना है पिस्ता फॉर द और वर्मिसली भी लेनी है लेकिन आई थिंक वी हैव दैट एट होम, है ना। उसके बाद हमने ली कुछ आइसक्रीम्स क्योंकि मेरी बहन को आइसक्रीम्स बहुत पसंद है। सो मैंने वो वायरल चॉकलेट बार बनाने की रेसिपी पूरी बहुत दफ़ा देख ली है एंड मैंने मतलब बहुत सारी रेसिपीज़ को देख के मैंने अपने दिमाग में खुद ही एक बना लिया रेसिपी। तो उसके लिए मैंने लिए हैं पिस्ताशियो। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो अगर आपको कोई मतलब प्रोडक्ट देखना है, इनमें से कोई ब्रांड देखना है तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं अगर मेरी चॉकलेट अच्छी बनी तो। खैर, तो मैंने एक चॉकलेट बार लिया है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट बार लिया है, मिल्क वाला मुझे मिला नहीं तो मैंने सोचा कि इसी को मैं करके उसको थोड़ा सा मतलब लाइट बना के आई एम गोना जस्ट यूज दिस। और किसी भी ब्रांड की क्रीम, ठीक है, एंड कंडेंस मिल्क मैंने लिया है। ये चीज़ें फालतू तो इसको हटा देते हैं एंड इसके अलावा हमें चाहिए थे कुनाफे बट आई डोंट नॉट हैव दैट, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर मिलता भी है तो मैंने इतना एफर्ट्स नहीं किया वो ढूंढने के लिए। तो हम यूज़ करेंगे वर्मिसली, मेरे पास बहुत अच्छी टाइप की वर्मिसली है और फैनी भी पड़ी है तो हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करेंगे एंड कल बनाएंगे क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैंने पेपर की तैयारी करनी है एंड मंडे को भी मेरा एग्जाम है तो डू प्रे फॉर दैट एंड या मिलती हूँ मैं आपसे कल। चॉकलेट का मोल्ड बनाने के लिए मेरे पास एक प्लास्टिक का कंटेनर था लेकिन मुझे लगा वो उसमें स्टिक हो जाएगा जब मैं निकालने लगूंगी, तो मेरे पास है एल्युमिनियम फॉइल। इसको हम लोग डबल कोटेड फोल्ड करके एक चॉकलेट मोल्ड का शेप देंगे, लेट्स सी ये कैसा बनेगा। तो आई मेड अ मोल्ड। एक तो मोल्ड बनाने के लिए मुझे इतनी वारी करनी पड़ रही है। खैर, तो मैंने इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल चढ़ाया, अभी मैं इसको फ्लिप करके इसे फ्रंट साइड पे लगाऊंगी एंड इग्नोर द साउंड्स इन द बैकग्राउंड, माय सिस्टर इज वाचिंग, नेवर हैव आई एवर। तो मोल्ड इज रेडी, मैंने केक वाले मोल्ड में इसको अलाइन कर दिया है क्योंकि आई डोंट थिंक इतनी बड़ी चॉकलेट बार बनानी है बट खैर अभी इतना बड़ा बन गया तो लेट्स जस्ट मेक इट दिस वे। ओके, सो मैं जल्दी से आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बता देती हूँ। तो मेरे पास क्रेव के चॉकलेट बार्स हैं दो, अनस्पॉन्सर्ड बट इफ यू गाइस वांट आप लोग ये वाला कंपाउंड चॉकलेट ले सकते हैं। मेरे पास मिल्क चॉकलेट भी है, डार्क चॉकलेट भी है, हो सकता है मैं दोनों को कंबाइन करूं या फिर मेरी प्रेफरेंस तो यही रहेगी कि मैं मिल्क वाला यूज़ करूं। उसके बाद वी हैव कंडेंस मिल्क, स्पैचुला क्रीम है कोई भी कंपनी के लिए, ये तो लीजिए उसको साइड कर रखें। और मेरे पास वाइट चॉकलेट मेल्ट्स नहीं थे तो मैंने ये वाइट चॉकलेट चिप्स लिए हैं सो दैट वी कैन मेक द डिज़ाइन। एंड है द ड्राई फ्रूट विच इज दिस पिस्ता, इसको खुद ही पील करके इसका पेस्ट बनाऊंगी विद द कंडेंस मिल्क, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी और थोड़ा सा क्रीम भी डालेंगे इसमें। एंड गाइस, तो मैं इसको डबल बॉयलर मेथड से कर रही हूँ एंड मेरी कैमरा के सामने पूरा फॉग आ रहा है। खैर, तो डबल बॉयलर मेथड से मैं इसको चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ पहले तो।
मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर दिया, इसको लेयरिंग करेंगे, मैं दिखाती हूँ कैसे। सो आफ्टर 20 मिनट्स कंपाउंड चॉकलेट जो मेल्ट हो चुकी है, अभी भी इसमें थोड़े से चंक्स हैं, बट लेट्स यू नो यूटिलाइज इट। मैं यहाँ पे ले लिया पिस्ताशियो, इसको ग्राइंड करेंगे, और वर्ड मिसले की जगह मैंने फेनी ली है क्योंकि कंपेरेटिवली सॉफ्ट होती है, और मैंने थोड़ा सा बनाया है इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी ली है, जितनी ली है मैं इसको कॉमेंट सेक्शन में डाल दूँगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पहले इसको ग्राइंड करते हैं, फिर इसमें कंडेंस मिल्क डाल के और क्रीम डाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ। एक ब्लेंडर हो गया है, कंडेंस मिल्क का जो रिंग है ना उसको पुल करी थी मैं चम्मच के साथ, एंड वो रिंग ही निकल के आ गया। ये हम सोचे उसके क्या ही करें। ग्राइंड किया हुआ पिस्ताशियो डाला, कंडेंस मिल्क डाला, एंड गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, जब मैंने जो ये रेसिपी देखी थी ना सब कह रहे थे कि आई कैन जस्ट ईट इट डायरेक्टली विद अ स्पून, एंड मैंने इसको टेस्ट किया, आई स्वेयर टू गॉड मैं इसको डायरेक्टली स्पून के साथ खा सकती हूँ। इट्स सो 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 गुड, बहुत मजे का है, एंड कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने यूट्यूब वीडियोस में देखी थी। तो अभी मैं इसको जल्दी से लेयर अप कर देती हूँ। ओके सो मैंने ये वाला सारा इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया है, इतना देखने में टेम्पटिंग नहीं लग रहा लेकिन गाइस दिस इज सो सो गुड। अभी मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगाती हूँ चॉकलेट की, इसको फ्रीज करेंगे एंड देन फिर टेस्ट करेंगे फाइनली कि कैसा इसका टेस्ट आता है। ये एल्युमिनियम का फॉयल है जिसके ऊपर मैंने रखा है, इसके अंदर सारी फिलिंग कर दी है चॉकलेट की, एंड नाउ इज गोइंग इन द फ्रीजर फॉर 6 आवर्स, एंड इसके बाद देखते हैं कैसा होता है। मैं अभी साइकिलिंग करके आई, आई थिंक 4 किलोमीटर या मे बी उससे भी ज़्यादा। ओके सो मैंने चॉकलेट बार बाहर निकाल लिए, सो गुड नहीं हुई है, बट मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसको एल्युमिनियम फॉइल से निकालती हूँ। ओके सो टेस्ट टेस्टिंग में माई सिस्टर विल हेल्प मी आउट, क्योंकि उसने मेरी रेसिपी में बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक ज़ालिम सिस्टर हूँ और मैं इसको हेल्प नहीं कराऊंगी, सारी टेस्ट नहीं करवाऊंगी। तो वी विल जस्ट टेस्ट इट, मैंने 2 ब्लॉक्स निकाल लिए हैं, दिस इज़ योर्स, ये लो हाथ में ले लो। एक्चुअली वेरी नाइस इज़न्ट इट, वी लव द चॉकलेट, डू वी लव इट, या सो वी लव द चॉकलेट एंड इट्स सो सो गुड, इट्स वेरी क्रीमी, इसके अंदर जो सारे फ्लेवर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। मैं इसको कुछ टाइम और फ्रीजर में रख देती हूँ, आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस कैन सी इट, नहीं थोड़ी सी भी मेल्टेड है, तो उसको फ्रीजर में रखने के बाद ये रॉक सॉलिड हो जाएगी और फिर ये चॉकलेट का बिल्कुल वो देगी, लेकिन फ्लेवर एज इट इज़ है। बात करते करते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज व्हिच आई हैव एवर मेड एंड आई हाईली रिकमेंडेड, एंड रेसिपी मैंने थोड़ी सी अपने लिहाज से इसको कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि कुछ चीज़ें पाकिस्तान में नहीं मिलती, लाइक तहीनी एंड यू नो द पिस्ताशियो पेस्ट, मुझे नहीं पता वो कहीं से मिलता है या नहीं मिलता, जस्ट मेड इट माई सेल्फ एंड इट टेस्टेड हेवनली, बहुत मज़े का था, एंड या दैट्स इट, बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप।